ओम सुमुखश्चै गदन्तश्च कपिलो गजकर्णगा लंबोदरश्च विष्टो विघ्ननाशो विनायका तुम्रगे दुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि आपणे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए सितंबर के आरंभ काल में ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए मेष राशि वालों, आपके नक्षत्र राशियों के अनुसार से यदि हम बात करें तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपको समझना चाहिए आपका समय किस प्रकार का योग चलता दिखाई दे रहा है। सितंबर के आरंभ काल में आपके ग्रह नक्षत्र कई मामलों में आपको आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे और इस वक्त केवल आपको उपचार करना चाहिए अपने शनि का। मेष राशि वालों पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और शनि वक्र अवस्था में चल रहे हैं, तो ऐसे में यदि आप हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करेंगे ना, तो चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप युवा हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, सब प्रकार से भगवान हनुमान जी आपकी रक्षा करने के दिव्य योग बनाएंगे। अवश्य सुन लीजिए, आपके ग्रह नक्षत्र एक केवल शनि को कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपकी राशि के अनुसार। सिलसिलेवार समझें ग्रह नक्षत्र योग क्या बना रहे हैं आपके लिए योग। यदि हम बात करें एक तारीख की, एक सितंबर की, रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और चतुर्दशी तिथि के साथ साथ सिंह राशि में रात्रि के समय करीब करीब 9:45 के आसपास चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा, जो विशेष तौर पर सिंह राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले भी स्वग्रही होकर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो विशेष तौर पर आपके लिए धन लाभ के अवसर कहीं ना कहीं बना सकते हैं, आपके कार्यों में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बन सकते हैं। बस थोड़ी सी जिद को आपको त्यागने का प्रयास करना चाहिए। देखिए इस दिन भद्रा का योग है, नए कार्यों को आरंभ करने से आपको बचना चाहिए। भद्रा रहेगी करीब करीब शाम को 4:30 बजे तक, उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेना आपके लिए ठीक रहेगा। यदि आरंभ करना है तो उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन रूटीन चलते हुए कार्यों में कोई निषेध नहीं है। जो रूटीन चलते हुए कार्य हैं वो सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग आपकी राशि के अनुसार से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर गौ पूजन करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। गौ पूजन करें, सूर्य को जल दें, ये सारे के सारे उपाय कहीं ना कहीं आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो जातक नए जन्म ले रहे हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन घरों में अश्लेषा और मघा नक्षत्र रहेंगे 1 और 2 तारीख को, उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। और यदि कोई जातक अश्लेषा और मघा नक्षत्र में जन्म लिया है और उसने बाल्यकाल में उसके माता पिता ने मूल शांति नहीं कराई, तो बाद में करा लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अननेसेसरी ये मूल जो है गंडमूल के जातक जन्म होते हैं, पूरे परिवार के लिए, स्वयं के लिए बार बार कष्ट उत्पन्न करने के योग बनाते रहते हैं। यदि हम 2 तारीख की बात करें तो सोमवार का अवसर है और इस दिन अमावस्या का योग बन रहा है। सोमवती अमावस्या का दिव्य योग बन रहा है, ये बहुत ही शुभ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने का समय है। अपने काम पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स अवश्य आने के योग बन सकते हैं। आप अपनी चाल में मस्त होकर बिना वरी के काम करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं विजय प्राप्ति के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि अपनी चाल में मस्त होकर काम करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए सोमवती अमावस्या है, इसका पुण्य अवश्य कमाने का प्रयास करें। कहा जाता है पांडवों के जीवन काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं बना है। ये अद्भुत काल है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कहीं पितृ रुष्ट है, पितृ ऋण चल रहा है और अनेक उपाय करने के लिए भटकते रहते हैं। अरे ये सोमवती अमावस्या के पुण्य पर्व, केवल एक किसी गरीब को भोजन करा दो, गौ गाय को भोजन करा दो, कुछ दान पुण्य कर दो। कहा जाता है कि समस्त सबसे बढ़िया कहा जाता है कि स्नान और तर्पण, अपने पितरों के निमित्त तर्पण और तीर्थ जल में स्नान। यदि किसी पुण्य जगह में चले जाएं तो वहाँ स्नान कर लें, नहीं तो गंगा जल आपके घर में यदि पड़ा हो तो अपने पानी में मिलाकर उसी को अभिमंत्रित करके स्नान करके पितरों के निमित्त तर्पण, एक किसी ब्राह्मण को गऊ को भोजन करा दीजिए, देखिए बहुत सुंदर होगा। यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसको करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये सुंदर तिथि है, अवश्य ग्रहों का प्रभाव क्या है वो भी हमने आपको समझाया। 3 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर है और अमावस्या उदय तिथि के रूप में इस दिन भी विद्यमान रहेगी। केवल 3 घड़ी के लिए विद्यमान रहेगी, 3 घड़ी 20 पल के लिए, उसके बाद प्रतिपदा का आरंभ हो जाएगा। लेकिन मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और इस वक्त मंगल ग्रह जो है वो विशेष तौर पर आपके लिए थोड़े पुरुषार्थ में कमी करने के योग बना रहे हैं। मंगल का परिवर्तन जिस प्रकार से जहाँ जाकर बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। अननेसेसरी की थोड़ा सा आलस की प्रवृत्ति इन दिनों आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा रहती दिखाई दे रही है। देखिए आलस को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए। उत्तिष्ट जागृत प्राप्त परार नहीं होता, हनुमान जी से सीखे ना हमेशा तत्पर। जो राम के सेवक बनना चाहते हैं वही हैं कि जो हमेशा राम काज करबे को, जिस प्रकार से राम कर काज करबे को आतुर कहा जाता है कि जो तुरंत राम काज करने के लिए है, इस बात का ध्यान है कि मंगलवार का अवसर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। पहला मंगलवार पड़ रहा है और सुंदर अमावस्या का युग पड़ रहा है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि का लाभ लेते हुए सुंदरकांड का पाठ रखा है।
जो शाम को करीब करीब 6 बजे के साथ यज्ञ के साथ आरंभ होगा, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ में भोजन रहेगा, ब्राह्मण भोजन रहेगा, सवमनी का भोग रहेगा। अवश्य आप भगवान का स्तवन करने के लिए इस कार्यक्रम में अवश्य भाग ले, कल्याण के योग बनेंगे। 4 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार बुधवार का योग है और उस दिन भाद्रपद का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है प्रतिपदा तिथि के साथ साथ। कन्या में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बनाते दिखाई देंगे। सुबह 9:55 पर बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। थोड़ा सा नजला जुकाम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। जिनको शुगर वगैरह है वो अपनी शुगर को बैलेंस रखने का प्रयास करें, उसमें कोई फ्लक्चुएशन का योग बन सकता है। तो इसलिए हरी वरी एंड करी, इन तीन चीज़ों को अवॉइड करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र आने वाले 2-3 दिन तक लाभ होगा, चिंता ना करो। लाभ के चंद्रमा जो परिवर्तन कर रहे हैं, लाभ में सेंध नहीं लगा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में सेंध लगा सकते हैं। अननेसेसरी के लोग थोड़े से शत्रुता आपके अंदर रख सकते हैं, उसमें भी विजय प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। लेकिन आपकी वरी जो है ना, अननेसेसरी मन के भाव में थोड़ी देर बाद एक पॉपअप सा उठ जाता है, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बढ़िया होगा, चिंता ना करें। ध्यान रखने का आप प्रयास करें, क्योंकि इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध सिंह राशि में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए सिंह राशि में पंचम भाव में रहते हुए बुध अच्छा ही योग बनाएंगे। चिंता ना करें, अच्छा रहेगा सब कुछ। एक बात का ध्यान रखें, इस दिन बहुत सुंदर तिथि है। आने वाले समय में 2 दिन बाद जो है वो गणेश चतुर्थी आने वाली है, चंद्र का दर्शन का दोष लग जाता है। लेकिन आज यदि हम बात करें, 4 तारीख की हम बात करें, उस दिन का चांद समस्त वरदानों को लेकर उपस्थित हुआ है। कहा जाता है कि उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दूज का चांद जो देख लेता है, उस पर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। तो आप शाम के समय 4 तारीख की शाम को, बुधवार के दिन शाम को, जब भी कोई चंद्र उदय हो, वहाँ जहाँ चंद्र उदय हो रहा होगा दूज का चांद, क्योंकि शाम के समय दूज उपस्थित हो जाएगी, इसलिए दूज का चांद विशेषतः बड़ा सुंदर रहेगा। कहा जाता है चौथ के चांद का दोष नहीं लगता, कलंक लगने से बचने का योग बन सकता है। माता पिता का दर्शन अवश्य कर, साथ में आशीर्वाद लीजिएगा, चंद्र दर्शन करने के बाद गौ पूजन कीजिएगा, और यदि ये कर लें तो समस्त रूप से कष्टों को निवारण करने का, कलंक नहीं तो परेशान कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कथा भी हम बताएंगे आपको, वो भी समझ लीजिएगा कैसे क्या हुआ, किस प्रकार से जो चंद्र दर्शन विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग बन रहा है, उसको अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 5 तारीख की हम बात करें तो कहा जाता है कि ये बृहस्पतिवार का अवसर है और 5 तारीख को द्वितीया तिथि उस दिन विद्यमान रहेगी ऊर्जा तिथि के रूप में, और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का योग यदि आपकी राशि के अनुसार से कहा जाए तो ओवरऑल ग्राफ कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने वाला दिखाई दे रहा है। बट थोड़ा जिद त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए, थोड़ा ज्ञान लेने का प्रयास करें, बृहस्पति महाराज को शक्ति देने का प्रयास करें, थोड़ा सा पीला टीका माथे पे लगाएं, हो सके तो किसी ब्राह्मण की सेवा कर लें। गुरुजन की आज्ञा का अनुसरण करना आपके भाग्य को जगाने वाला रहेगा। ग्रह नक्षत्र ये साफ साफ तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इस दिशा निर्देशन में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बस स्वास्थ्य का थोड़ा सा, कहीं ना कहीं मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है। महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा जप करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 6 तारीख की हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि रहेगी और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग भी बनेगा। तुला राशि में चंद्रमा पहुंचेंगे, लेकिन दिन में जहां रहेंगे वो आपके कार्यों में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के योग बनाते दिखाई देंगे। विचारों में थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, चंद्रमा थोड़ी क्षीणस्थ अवस्था में है, कहीं ना कहीं विचारों में कुट दुस्वाभाविकता कहीं ना कहीं परेशान करती दिखाई दे रही है। विचारों में दृढ़ता लाएं, विचारों की भिन्नता है, कार्य अपने हिसाब से होते हैं, ये बात आपको समझ के कार्य करना चाहिए, धीरे धीरे विजय मिल जाती है। वराह जयंती का सुंदर अवसर है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, और चंद्रमा के द्वारा जो दोष लग रहा है उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है वराह जयंती के अवसर पर भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें, और शालिग्राम जी का चरणामृत जो बन जाए, जिसे कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते, यानी उस जल के अंदर, गंगा जल के अंदर तुलसी कपूर चंदन इत्यादि डालकर भगवान शालिग्राम जी का स्नान कराने के उपरांत उस चरणामृत को यदि ग्रहण कर लेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, एंजाइटी भी ठीक हो जाएगी, बहुत सुंदर आपके लिए राशि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 7 तारीख की हम बात करें, ग्रह को परिवर्तन का समय बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव शक्ति का उदय करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा रात्रि में परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके लिए अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन गणेश चतुर्थी है, कहा जाता है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से, भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर कार्य करने से समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए योग बन जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया, और पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा,
जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से, और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है, अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है। एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें। शास्त्र में कथा आई है कि सत्यजीत की जो कथा है, उपसेन की जो कथा है, और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है, उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने भी वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्यजीत, जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी, और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को भी पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो, और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्यजीत ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाए के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्यजीत का जो भाई था, सत्यजीत जो जिसको कहा जाता है जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया, और कहा जाता है अखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्यजीत ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्यजीत के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया, और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं, तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपके दोषारोप मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो सत्यजीत के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है, और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्यजीत माँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है, तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है, और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्यजीत को देते हैं और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया, जिस प्रकार से सत्यजीत को पूरी बात समझ में आती है, और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के युग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उसे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा, कि इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना, ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्या रूप लग जाता है, तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने के योग बना देते हैं। तो ये कथा बड़ी विचित्र है। कहा जाता है कि चतुर्थी का जो चांद देख लेते हैं उन पर दोष लग जाता है, और ऐसे में
कहा जाता है कि चंद्र दोष युक्त है, भगवान गणेश का अपमान करने के कारण से चंद्रमा को ये दोष लग गया था कि जो चौथ का चांद देखेगा, गणेश जी की आकृति को देख के चंद्रमा एक बार हंस दिए थे, और उसी कारण से भगवान गणेश ने कहा कि अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान है, इसलिए एक चौथ जो आज के बाद तुम्हारा चंद्र दर्शन जो भी कर लेगा उस पर विशेष तौर पर ये दोष लग जाएगा कि वो चांद वो हमेशा कलंकित रहेगा। तो कहा जाता है कि भगवान चंद्रमा बड़े परेशान हुए, भगवान के साथ जाके क्षमा मांगी, तब उस कहा जाता है उस कलंक को चंद्रमा से हटाते हुए केवल एक दिन के लिए वो दोष कर दिया गया, और ये वही तिथि है चंद्र दोष लग सकता है। जो चांद को देखता है उस दिन दोष लग जाता है, और उससे निवृत्ति का हमने कथा आपके समक्ष रखी, इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। कहा जाता है गलती से यदि चांद देख लोगे ना तो उससे निवृत्ति का मार्ग इस कथा के श्रवण से लग जाएगा जो अभी कथा हमने सुनाई है। तो जो वैसे तो देखने का निषेध रहना चाहिए, लेकिन गलती से कई बार वो दोष लगना होता है तो सामने दर्शन पड़ ही जाते हैं, तो उस दोष से निवृत्ति के लिए कथा बहुत विशेष है। यदि गलती से चंद दर्शन कर लिए हैं तो रात्रि में ये कथा अवश्य सुन लीजिएगा, उससे कष्ट निवारण का योग बन जाएगा। 8 तारीख के दिन बात कर लेते हैं। 8 तारीख को रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपके लिए बन रहा है, नव शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है, मनो मस्तिष्क में नए विचार, और कह सकता है पूर्वाभास का योग भी बनेगा। बहुत सारी बातें आपको लगेगा कि हम इसको करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पूर्वाभास को समझ नहीं पाते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें मन में मस्तिष्क में आती रहती हैं, और लेकिन सारी सत्य नहीं होती हैं, लेकिन कई बार वो बातें सत्य हो जाती हैं। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 2-3 दिन से ये योग बना हुआ है कि बहुत सारी बातें आपको इंट्यूशन के तौर पर मनोमस्तिष्क में आ रही होंगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 8 तारीख को भी वो योग बनता दिखाई दे रहा है, तो मन में आती हुई बातों को लाइटली न मत लीजिएगा, उसको समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन 2 ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, राहु और केतु उत्तरा भाद्रपद के 3रे चरण में राहु प्रवेश कर रहे हैं, और इन दिनों राहु महाराज आपकी राशि के अनुसार से जो योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोष युक्त है, उसको ठीक करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा मूली लेकर दान करने का प्रयास करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी मंदिर में शाम के समय मूली का दान कर दीजिए, भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि 9 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि, और बहुत सुंदर चंद्रमा का परिवर्तन का योग बन रहा है। थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन आपके लिए धन लाभ की स्थिति को प्रबल करते दिखाई दे रहे हैं, आपके कार्यों में कहीं ना कहीं सफलता देने के योग बना सकते हैं। सुबह सुबह भगवान शंकर का दर्शन कर उनका जलाभिषेक करना, बड़ा या दुग्धाभिषेक करना, दूध का दान करना चंद्रमा की शक्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। थोड़ा सूर्य का भी अर्घ दें, थोड़ा दूध डाल के सूर्य को जल में थोड़ा दूध डालकर एक चांदी के लोटे में या स्टील के लोटे में देने का प्रयास करें। तांबे के लोटे में दूध मत डालिएगा, फिर वो जहर बन जाता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। शाम के समय सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनेगा, वो जो नए कार्यों में विजय दिलाने के लिए सुंदर रास्ता आपके समक्ष उपस्थित करता दिखाई देगा। 10 तारीख के लिए बात करें, मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि उस दिन विद्यमान रहेगी, और सप्तमी तिथि के साथ साथ ग्रह नक्षत्र आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बना रहे, लेकिन मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं विचलित हो सकता है, इसलिए मन को थोड़ा ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करें, हनुमान जी के मंत्र का जप करें, ये सब आपके लिए कहीं ना कहीं चंद्रमा को भी शक्ति देने वाला रहेगा और आपकी हिम्मत को भी जगाने वाला रहेगा। कहा गया हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, तो एक पर ध्यान रखें, इस वक्त लाभ के योग बिल्कुल हैं, लेकिन मन थोड़ा आशंकित है, उसको हटाएं, थोड़ा सा काम करने का प्रयास करेंगे अच्छा रहेगा। जित को त्यागते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इन दिनों ध्यान रखें। शनि महाराज इन दिनों वक्री चल रहे हैं, और यदि हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करते रहेंगे ना तो सब प्रकार से रक्षा होने के योग बनते रहेंगे आपके लिए। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है, इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि मुहूर्त वार इत्यादि सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं, और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सब को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है पुराणों इत्यादियों में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है, और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य मन में आते हैं, और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था, और कैसे उससे उन्होंने बचा,
और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में, कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए, उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो और साथ साथ वो जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हो, जो कहीं मति भ्रम ना उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसे उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास कर रहे हैं उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरम्भ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं, उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से पंचांग के दृष्टिकोण से ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और ये विवेकानंद योग आश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं और अभी श्राद्ध भी आएंगे, उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं जो सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।